हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग आइडियाज। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये मेरे सामने रेन लिली प्लांट रखा है। ये रेन लिली के प्लांट है, ये पिंक कलर का रेन लिली है। और इसमें आप देख रहे होंगे दो तरह के प्लांट लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं। ये है बड़े लीव्स वाला और ये है छोटे लीव्स वाला। तो इसमें छोटे कलर का पिंक कलर का रेन लिली का फ्लावर आता है, जो छोटे छोटे आते हैं। और इसमें जंबो जंबो पिंक कलर का फ्लावर आता है, जो थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है, उसको जंबो फ्लावर बोलते हैं। तो इनको हम सेपरेट करेंगे अपने गमले से निकाल के, क्योंकि एक गमला हम छोटे बल्ब वाला लगाएंगे और एक गमला बड़े बल्ब बड़े जंबो फ्लावर वाला लगाएंगे। तो इसको बड़े वाले जंबो फ्लावर्स को जो है मैं इसी में रहने दूंगी, या फिर इसमें शिफ्ट करूंगी, छोटे वाले को मैं इसमें शिफ्ट करूंगी या इसमें रहने दूंगी, वो अभी मैं निकालने के बाद देखती हूं कि इसमें ज़्यादा बल्ब कौन से वाले प्लांट के हैं। अगर इसके ज़्यादा होंगे तो इस बड़े पॉट में रहने दूंगी, अगर इसके ज़्यादा होंगे तो इसको इसमें रहने दूंगी और दूसरे को इसमें शिफ्ट कर दूंगी। तो ये मैंने एक छोटा सा ये लिया है, ये एक वेस्ट मटीरियल लिया है। वेस्ट मटेरियल यानी कि एक छोटे फ्रिज का ये वेजिटेबल बास्केट है, आप देख रहे होंगे वेजिटेबल बास्केट है ये। इसके अंदर मैंने छेद कर लिए, नीचे होल कर लिए। होल करने के बाद जो है मैंने इसमें गार्डन वेस्ट और कुछ गार्डन छिलके, पौधे के छिलके और गार्डन वेस्ट मैंने इसमें भर लिया है। क्योंकि ज़्यादा मिट्टी भरने की वजह से क्या होता है कि पॉट ज़्यादा भारी हो जाता है, हम उसको इधर उधर नहीं खिसका सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसके नीचे ये गार्डन वेस्ट भर लिया है और ये भी नीचे डिकम्पोज होता रहेगा और ऊपर हम अपनी सॉइल मिक्सचर इसमें डाल के इस फ्लावर को ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए इसको इसमें से निकाल लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको जो है गमले से बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितनी इसकी रूट्स बन गई हैं और कितना ये रूट बाउंड हो चुका है। तो अब इसको हम सीधा करके इसको इसके बल्ब को अलग करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कुछ एक कीड़े भी लगे हुए हैं। ये जो है ये कीड़ा होता है इसकी शेप में, ये देखिए कितने इसमें कीड़े बन चुके हैं और ये भी छोटे छोटे कीड़े आपको चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो इन कीड़ों का भी हम थोड़ा सा पहले हम अपने पॉट को जो है हल्दी पाउडर लगा के छोड़ देंगे। इसमें हल्दी पाउडर स्प्रे कर देंगे ताकि जो भी इसमें इन्फेक्शन होगा वो निकल जाएगा। हल्दी की वजह से इसमें जो भी कीड़े मकोड़े का वो जर्म्स होंगे वो थोड़े मर जाएंगे। तो इनको हम हल्दी पाउडर लगा के हमने ऐसे ही छोड़ दिया। पॉट को भी थोड़ा सा दबा लेते हैं ताकि पॉट हमारा थोड़ा सीधा हो जाए। आप चाहे तो इसको पॉट को धो के धूप में सुखा लीजिए एक दिन के लिए, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मुझे अभी इनको पॉट्स को पॉट में जो है ट्रांसफ़र करना है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए जंबो फ्लावर का बल्ब है, इसका बल्ब देखिए कितना बड़ा हो रहा है ये, और इसके साथ ही छोटा बल्ब एक और बन रहा है। तो इसको हम एज इट इज़ ट्रांसफ़र करेंगे, इनकी रूट्स को हम अलग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे दोनों प्लांट्स के बल्ब्स को जो है अलग अलग कर लिए। ये छोटे रेन लिली के प्लांट है, ये देखिए खूब सारे बल्ब्स इसमें से निकल कर आए हैं। बहुत मुश्किल से मैंने इनको निकाला है, अलग अलग किया है, और अभी मैं इनको लगा नहीं रही हूँ। मैं इनको एक दिन के लिए जो है छाया में सुखाऊँगी और इस पर हल्दी पाउडर स्प्रे करके इनको छाया में रख दूँगी। और ये देखिए ये जो है जंबो फ्लावर वाले रेन लिली के बल्ब हैं, पिंक कलर का जंबो फ्लावर आता है। इनके बल्ब देखिए आप बड़े साइज़ के होते हैं, क्योंकि इसका फ्लावर भी बड़ा होता है तो बल्ब भी बड़ा होता है इसका। और रेन छोटी रेन लिली के जो पिंक कलर का रेन लिली होता है उसके बल्ब देखिए छोटे छोटे होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे बल्ब होते हैं। तो ये कुछ 5-6 बल्ब भी मेरे पास थे और उससे देखिए कितने सारे बल्ब ही हो गए हैं। तो एक तो मैं इनको गमलों में लगाऊंगी और कुछ मैं इनको नर्सरी पॉट में लगाऊंगी। तो मैं ये जो है इसमें हल्दी पाउडर डाल के दोनों बल्ब में इनको जो है एक दिन के लिए जो है छाया में सुखाऊंगी और उसके बाद मैं इनको ग्रो करूंगी।
बल्ब्स को निकालने के बाद मैंने अपने प्लांट्स में से निकली हुई मिट्टी को जो है इसी तरह से स्टरलाइज करने के लिए छत पे फैला दिया है। और इसमें देखिए कितनी रूट्स निकली हुई हैं, ये जब धूप में सूख जाएगी तो इसकी जड़ों को हम अलग कर लेंगे और मिट्टी को छान के हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। धूप में 2 दिन रखेंगे तो हमारी सॉइल जो है स्टरलाइज हो जाएगी। इसी तरह से पुराने पॉट्स की सॉइल को आप स्टरलाइज कर सकते हैं धूप में रखें। जब तक हमारा गार्डनिंग का जो है फरवरी मंथ का जो रिपॉटिंग का काम ख़त्म नहीं होता, तो इसी तरह से हमारी छत पे जो है अपने गार्डन में इसी तरह से हमारी मिट्टी फैली रहती है। तो ये सब गार्डनर के साथ होता है। तो फ्रेंड्स आगे हम अपनी रेन लिली के साथ, रेन लिली को मैंने 1 दिन के बाद निकाल लिया है, छाँव में सुखा लिया था 1 दिन के लिए। तो अभी इनको पॉट में लगाएंगे। होल्स को कवर करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गार्डन वेस्ट डाल दिया है, क्योंकि गार्डन वेस्ट भी मेरे पास इस टाइम कम है। इसमें हल्की सी सॉइल भर देंगे हम गार्डन वेस्ट के ऊपर। थोड़ी सॉइल भरेंगे और उसके बाद हमने जो सॉइल मिक्सर तैयार किया है उसको डालेंगे। सॉइल मिक्सर इस टाइम फर्टिलाइजर मेरे पास कम रह गया, तो जो मैंने बना के रखा हुआ है उसी को यूज़ करके और उसमें थोड़ा सा मिक्स करके जो अपनी सॉइल है निकाली थी हमने उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि तो काफ़ी रिच सॉइल है। रेन लिली के लिए आपको बिल्कुल पोरस सॉइल बनानी है, हल्की सॉइल बनानी है। उसमें जो है रेत की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा होगी उतना ही आपका लिली जो है इसमें अच्छे से डिवाइड होंगी, अच्छे ग्रो करेंगी। सॉइल को हमने भर लिया। इसके बाद जो है हम अपनी रेन लिली को लेंगे, रेन लिली के बल्ब्स को लेंगे और इसको जो है इसकी रूट्स को भी हल्का हल्का नीचे से कट कर देंगे और ऊपर से इसकी पूरी लीव्स को हम कट करेंगे, पूरी लीव्स को कट कर देंगे। और उसके बाद जो है इसको इसमें गड्ढा बनाएंगे, गड्ढा बना के इसको ऐसे इस तरह करके हम इसमें लगा देंगे। जितने भी बड़े बड़े बल्ब्स हैं वो मैं इसमें ग्रो करूँगी, ताकि जो है आने वाले टाइम में हमारे इसमें जो है और ज़्यादा बल्ब इसमें ग्रो करें और डिवाइड हो जाए, नए बल्ब इसमें तैयार हो जाएंगे। तो जितने भी सूखी सूखी इसकी लीव्स हैं बल्ब के साथ साथ उनको हम निकाल देंगे, मैक्सिमम लीव्स को निकाल देंगे, ताकि जुलाई आने तक इसकी बल्ब्स की ग्रोथ भी अच्छी हो जाए। जुलाई अगस्त बारिश का टाइम जब आएगा तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और हमारे बल्ब भी अच्छे नीचे से डिवाइड हो जाएंगे और इनको जगह मिल जाएगी ग्रो करने के लिए। जुलाई अगस्त आएगा तो उसमें जो है हमारा अच्छे से ग्रो होंगे और लीव्स अच्छी निकल कर आएंगी और हमारे इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो मैंने जो है जंबो रेन लिली के बल्ब्स को इसमें लगा रही हूँ बड़े प्लांटर में, क्योंकि बल्ब भी बड़े होते हैं और इनको ये अभी थोड़े हैं मेरे पास, तो इनको और ज़्यादा ग्रो करूँगी और ज़्यादा डिवाइड करूँगी, उसके लिए मैंने इसको बड़े प्लांटर में लगाया ताकि इनको स्पेस ज़्यादा मिले। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जमाना है, 1 इंच का गड्ढा करेंगे आप और बल्ब को रखेंगे, बल्ब के साइज़ के अकॉर्डिंग उतने ही आप इसको नीचे दबाएंगे। तो ये देखिए हमारे बल्ब लग के तैयार हो गए हैं, हमने इनको इस बड़े प्लांटर में लगा दिए। जंबो पिंक रेन लिली के बल्ब हैं ये इनमें हमने लगा दिए और कुछ छोटे छोटे बच गए हैं। इसको मैं सोचूं एक छोटे पॉट में लगा दूंगी, सबको इकट्ठा लगा दूंगी ताकि ये अलग से डिवाइड हो जाएं और इनको अब इसके बाद वाटरिंग करके हम छाया वाली जगह में रखेंगे। ये जो है प्लांट जो है बहुत सुंदर ग्रो करता है, जब पूरे बल्ब हमारे ग्रो हो जाएंगे तो इसमें जो है रेनी सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और एक ही पॉट में जब खूब सारे रेन लिली खिलेंगे, पिंक कलर के जंबो फ्लावर खिलेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। फ्रेंड्स ये वाइट वाली रेन लिली के बल्ब्स हैं ये जो हमने अभी निकाले थे कल, इसको भी हम इसमें इस वाले पॉट में ग्रो करते हैं। तो चलिए अब इनको हम लगा लेते हैं, ऐसे ही नीचे लीव्स को कट करेंगे, कट करने के बाद एक एक बल्ब को इसमें इसी तरह से लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने सारे बल्ब लगा लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं।
फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये येलो रेन लिली के बल्ब हैं। ये मैंने 20 से ग्रो किए थे बल्ब, तो ये इतने बल्ब ग्रो हो गए हैं। देखिए तो गमला भी इसका फट गया है, इतने ज़्यादा इसमें रूट बाउंड और बल्ब ग्रो हो चुके हैं। गमला भी इसने फाड़ दिया है, तो इसको भी हम गमले से निकाल के दूसरे गमले में लगाएंगे। तो देखते हैं इसमें कितने बल्ब लगे हुए हैं, बन गए हैं, तो हम इनको जो है दूसरे गमले में लगाएंगे। ये गमला मैंने इसके लिए तैयार कर लिया है, ये सीमेंट का पॉट है। इसमें मैंने नीचे गार्डन वेस्ट और कंपोस्ट और सैंड और गार्डन सॉइल मिक्स करके मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार कर लिए। इसकी सॉइल इतनी सैंडी होनी चाहिए, इतनी पोरस सॉइल होनी चाहिए कि जब भी हमारे बल्ब ग्रो करें, बल्ब ग्रो करने के बाद जो है हमारे इस पर गुड़ाई करना मुश्किल हो जाता है पॉट में। तो जितनी अच्छी पोरस सॉइल होएगी तो उतनी हमारे को गुड़ाई कम करनी पड़ेगी और हमारा जो पानी है अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाटर जो भी हम डालेंगे इसमें, एक्स्ट्रा वाटर जो भी हो जाएगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा जल्दी से। तो इसीलिए इसकी जो सॉइल है बहुत ज़्यादा पोरस सॉइल होनी चाहिए ताकि हमारे बल्ब भी अच्छे से ग्रो करें, अच्छे से डिवाइड हों और हमारा पानी भी इसमें ना रुके और हमारे को गुड़ाई करने की भी इसमें ज़रूरत ना पड़े। तो अब हम इन बल्ब्स को इसमें से निकाल कर, इस पॉट में से निकाल के इसमें लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है हमने गमले से बाहर निकाल लिए रेन लिली बल्ब्स को, और इसका पॉट देखिए कैसे चारों तरफ से क्रैक होना स्टार्ट हो गया था। बल्ब्स ने इतना ग्रो कर लिया था और इतने रूट्स बाउंड हो गया था, तो इसको हम निकालना बहुत ज़रूरी था। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं और बल्ब्स को जो है अपने दूसरे पॉट में लगाते हैं। ये फ्रेंड्स जो है मैंने अपनी रेन लिली के बल्ब्स को निकाल लिए गमले में से, बिल्कुल गमला फट चुका था क्योंकि इतने बड़े बड़े मोटे मोटे बल्ब इसके हो चुके हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये मैंने बीज से ग्रो किया है। येलो रेन लिली के बीज होते हैं, बीज बन जाते हैं फ्लारिंग होने के बाद, और उन बीज को मैंने गमले में डाला। तो और इन बल्ब्स को इतना मोटा होने के लिए और इतना ग्रो करने के लिए कम से कम 3 साल का टाइम लगा है। कोरोना टाइम में मैंने 2020 में इनको डाला था और अब 2023 आ गया है। तो जब स्टार्टिंग था, कोरोना टाइम स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम मैंने इन बीज को डाला था अपने गमले में और आज ये इतने बड़े ग्रो होके इतने मोटे मोटे बल्ब बन चुके हैं। तो कितने देखिए हैरानी की बात है कि अगर हम अच्छे से पौधे की देखभाल करते हैं, पौधे को अच्छा सा फर्टिलाइज़र देते हैं, तो हमारी इस तरह से ग्रोथ निकल के आती है। तो देखिए पहले ये छोटे छोटे इतने छोटे होते हैं, फिर इतना बड़ा होता है, फिर उसके बाद ये स्टेज आती है, ये स्टेज आती है, फिर ये इतना मोटा हो जाता है और इतना मोटा होने के बाद इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन रेन लिली के बल्ब का एक फ़ायदा है कि जब इतना सा बल्ब भी होता है, इससे छोटा भी होता है, तब भी इसमें फ्लावर खिल के आता है। क्योंकि एक पॉट में जो है मैंने एक अपनी इन्हीं रेन लिली में से जो भी येलो कलर के सीड्स बन जाते हैं, उन सीड्स को मैंने एक डिस्पोजल केन में ऐसे ही डाल दिया था गमले से निकाल के, क्योंकि वो उसके साथ ही पड़ा हुआ था, मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं, लीव्स निकल के आई। लीव्स निकलने के बाद उसमें जो है थोड़े दिन बाद, 15-20 दिन बाद जब रेनी सीजन स्टार्ट हुआ, तो उसमें जो है दोबारा फ्लावरिंग भी हो गई। और आज इस बार मैंने भी थोड़े दिन पहले उनको जो है दूसरे गमले में शिफ्ट करने की सोचे कि इसको अच्छे पॉट में लगा देते हैं ताकि और इसके बल्ब अच्छे ग्रो हो नीचे। तो मैंने देखा उसमें इससे भी छोटा बल्ब था, इससे भी छोटे छोटे बल्ब अभी बने हैं, उसमें ज़्यादा बड़े बल्ब नहीं है। इससे भी मतलब कि 1/4 इसका होगा जो कि अभी बनना स्टार्ट हुए हैं बल्ब। तो तब भी उसमें इतनी अच्छी, ये अभी इतने ही बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा ये नीचे पड़े हुए हैं, तो ये कुछ बल्ब ये हैं। तो इतने सारे बल्ब हमारे पास बन जाते हैं, कुछ बल्ब ये नीचे रखे हुए हैं, तो इतने सारे बल्ब बन जाते हैं। देखते हैं इस गमले में कितने बल्ब हम लगा पाते हैं, ये पॉट मैंने तैयार किए हैं। चलिए अब इनको लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे रेन लिली के बल्ब्स जो है हमने पॉट कर दिए हैं, तो इनको हमने लगा दिया है। ये जम्बो रेन लिली, ये छोटी पिंक रेन लिली और ये येलो रेन लिली। तो और छोटी रेन लिली के कुछ बल्ब, बड़ी रेन लिली के कुछ बल्ब मैंने इसमें लगा दिए छोटे पॉट में, और उसके बावजूद भी मेरे पास इतने बल्ब बच गए हैं। ये पिंक रेन लिली के बल्ब हैं जो भी बच गए हैं, इनको मैं नर्सरी पॉट में या किसी में लगाऊंगी। और ये मेरे जो है येलो रेन लिली के बल्ब बच गए हैं। अभी इनको लगाने के लिए मुझे प्लांटर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो सबको हमने वाटरिंग करके अभी यहाँ साइड में रख दिया है। अब इसको मैं दो चार दिन के लिए जो है छाया वाली जगह में रखूँगी। और उसके बाद अभी मेरे पास ये वाइट रेन लिली है, वाइट रेन लिली के को भी अभी हमने निकाल के बल्ब्स को डिवाइड करना है और दोबारा से लगाना है। तो ये भी बहुत बड़ा काम रेन लिली का बचा हुआ है।
तो फ्रेंड्स ये मेरे आज का वीडियो रेन लिली के बल्ब को आपने कैसे ग्रो करना है ये मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बाय फ्रेंड्स।